गुड इवनिंग एवरी वन सो यस्ट वी ऑल रेड अबाउट रिवर्स हमने कल रिवर्स के बारे में पढ़ा था काफ़ी डिटेल में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी ऑल्सो मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे मैंने रियलाइज़ किया कि वो एंड एंड में थोड़ा सा फास्ट हो गया था आई ट्राई टू मेक इट स्लो मैं कोशिश करूंगी मैं और ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करूँ हिंदी में बोलूं हिंदी में आप लोगों को समझा पाऊं एंड कुछ दिक्कत आ रही थी कल कि वो नोट्स दिख नहीं रहे थे उस टाइम पे शायद मेरा फेस वहाँ पे आ रहा था तो मैंने उसको भी ठीक करने की कोशिश करी है अगर कोई और गलती हो तो बता दीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो से उसका भी ध्यान रखूंगी एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा द वे आई एम टीचिंग एंड शायद समझ भी आ रहा होगा ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था हमने रिवर्स कंप्लीट किया कल वी विल बी डिस्कसिंग दिस स्टेप बाई स्टेप लाइन बाय लाइन हम लोग ये सिलेबस को कम्प्लीट करेंगे मैंने आपको बताया है कि हम लोग सिलेबस से बिल्कुल स्टिक करके चलेंगे सो टुडे वील बी कवरिंग विद फॉरेस्ट एंड मे बी टमोरो आई विल कवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो हम वाइल्ड लाइफ को ऐसे पर्टिकुलरली नहीं देखेंगे कि कहाँ पे क्या मिलता है किस किस एरिया में क्या मिलता है वी विल रीड इट विद द हेल्प ऑफ नेशनल पार्क्स सो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स पे हम फोकस करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे नेशनल पार्क्स वाला एरिया जो है वो भी कवर होता जाएगा हम नेशनल पार्क्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे एंड वहाँ पे क्या क्या वाइल्ड लाइफ मिलती है सो मध्य प्रदेश में क्या क्या जानवर हमको मिलेंगे वो हमको यहाँ पता चल जाएंगे तो आज हम फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिर से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को अपना मैप ले लीजिए जब भी आप जोग्राफी पढ़ते हैं आपके पास अपना फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप मध्य प्रदेश का होना चाहिए जो कि आप लगातार देखते रहें जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूंगी लेकिन जब तक आप वो अपने सामने नहीं रखेंगे अपने सामने मार्क नहीं करेंगे पेंसिल पेन से आपको नहीं याद होगा ठीक है सो so, एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं भिंड मुरैना श्यवपुर ग्वालियर दतिया शिवपुरी ये आपके नॉर्दर्न साइड में है देन इधर आपका गुजरात से जिसकी बाउंड्री लगती है ये दो डिस्ट्रिक्ट्स झाबुआ और अलीराजपुर के हैं ये बीच वाला जो है यहाँ पे आप देखते हैं भोपाल सीहोर विदिशा रायसेन होशंगाबाद ठीक है इस तरफ आपका यहाँ पे टीकमगढ़ निवा, निवारी छतरपुर पन्ना ये सारे जिले आ जाते हैं तो रोज देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा एंड उसके बाद शायद जब मैं कोई डिस्ट्रिक्ट बोलूँ तो आपको मुझे बार बार मैप दिखाने की जरूरत ना पड़े और आपको वो तुरंत याद आ जाए कि वो कहाँ पर है ठीक है हम आगे पढ़ेंगे सो वी आर बिगिनिंग विद फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वाइल्ड लाइफ ठीक है फॉरेस्ट क्या है फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या है तो आज बेसिकली हम फॉरेस्ट पर ध्यान देंगे एंड फॉरेस्ट को पढ़ने के लिए पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज कुछ वर्ड्स कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो क्या क्या है ठीक है अब यहाँ पे अगर बात की जाए एक फॉरेस्ट एक वन क्या है सो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन जो भी फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन में आया था उसके अकॉर्डिंग ये वो डेफिनेशन है ये मैंने नहीं बनाई है ये वो डेफिनेशन है सो so उस टाइम पे फॉरेस्ट एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई थी वो 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 है 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 कि कितना ये का जो पेड़ों से पेड़ों से से ढका हुआ फॉरेस्ट एक्ट की definition. ठीक है अब मैं बात करूं फॉरेस्ट कवर की फॉरेस्ट कवर क्या है ठीक है मैंने अपने नोट्स को इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है कि थोड़ा सा वो शॉर्ट रहे थोड़ा सा एकदम एग्जाम के दो दिन पहले आप रिवाइज करना चाहें आप रिवाइज कर लें आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा था किस तरीके से लिखा था ठीक है फॉरेस्ट कवर की बात करें सो एन एरिया वेयर मोर देन वन हेक्टेयर और टेन परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इज कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पे या तो एक हेक्टेयर से ज्यादा या जो एरिया है उसका दस टेन परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इज कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट ट्रीज जहां पे डेंस ट्रीज है दस परसेंट से ज्यादा या एक हेक्टेयर से ज्यादा दस परसेंट या दस परसेंट से या एक हेक्टेयर से ज्यादा वो चीज क्या हो गई वो जगह क्या हो गई दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट कवर ठीक है तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कितना एरिया क्या एरिया है दैट इज अंडर योर फॉरेस्ट कवर सो वन थर्ड अबाउट थर्टी परसेंट जो आपका फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में है वन थर्ड या थर्टी परसेंट अबाउट समझ लीजिए ठीक है ये हो गया हमने समझ लिया फॉरेस्ट ये हमने समझ लिया फॉरेस्ट कवर यहाँ पे आज मुझे आपको शायद ज्यादा मैप्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज अभी तो हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं ट्री कैनोपी की या फॉरेस्ट कैनोपी की तो ट्री कैनोपी और फॉरेस्ट कैनोपी क्या होता है तो देखिए अब अगर आप बहुत घने जंगलों में जाते हैं बहुत डेंस फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं तो हम बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज देखते हैं वो कुछ लंबे ट्रीज जो होते हैं वो सनलाइट को नीचे तक पहुंचने नहीं देते हैं वो उनका जो ट्री कवर रहता है वो सनलाइट को जमीन तक

ठीक है अब हम बात करेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट अंडर स्टेटस रिपोर्ट की ये दो अलग चीजें हैं ठीक है तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होते हैं और फॉरेस्ट अंडर स्टेटस रिपोर्ट क्या होते हैं ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट आपको नाम से समझ आ रहा है रिकॉर्डेड है मतलब किसी रिकॉर्ड के अंदर मैंशनड है सो इट इज मैंशनड अंडर द स्टेट रिकॉर्ड ये आपका स्टेट जो है जो गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है उस रिकॉर्ड के अंदर जो आता है दैट इज योर स्टेट रिकॉर्ड एंड क्योंकि ये स्टेट रिकॉर्ड गवर्नमेंट के अंदर आता है इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको classify, इसको क्लासिफाई इसको इस ये, ये क्या होते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया जो रिकॉर्ड के अंदर है स्टेट रिकॉर्ड के अंदर है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है रिजर्व प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड ये तीन तरह के हो गए इसके बाद हम देखिए मैंने आपको ये एक आ, टेबल में बनाने इसलिए इसलिए बनाकर बताया है कि इससे क्या हो जाएगा आप आप जब जब नोट्स पढ़ेंगे जब देखेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इस साइड लिखा था फॉरेस्ट अंडर स्टेटस रिपोर्ट इस साइड लिखा था ये स्टेट रिकॉर्ड के अंदर है ये किसके अंदर है ये आप इजिली याद रख पाएंगे ठीक है सो रिकॉर्ड अदरवाइज बुक्स में भी ये सारी चीजें होती हैं लेकिन वो एक छोटे फॉर्म में टेबल फॉर्म में नहीं होती है कि हमें वो चीज याद रहे सॉरी सो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की हमने बात करी देन टॉक अबाउट फॉरेस्ट अंडर स्टेटस रिपोर्ट ठीक है ये बात की जा रही है कि आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफ एस आई क्या है आपका एफ एस आई इज ये सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस पे बेस्ड जो है दिस इज योर फॉरेस्ट अंडर स्टेटस रिपोर्ट इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर जो मैंशन है दैट इज बेस्ड ऑन योर सॉरी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिवाइड होते हैं या क्लासिफाई किए जाते हैं या उनको बांटा जाता है वो बेस्ड ऑन डेंसिटी उनके घनत्व के बेसिस पे या कितना ओपन फॉरेस्ट कवर है कितनी डेंसिटी है वगैरह वगैरह इन सब बेसिस पे यहाँ पे बांटा जाता है तो हमने दो चीजें देख ली एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट दैट इज अंडर द स्टेटस रिपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है कमिंग नेक्स्ट वील सी दैट डिस्ट्रिक्ट विद फॉरेस्ट कैनोपी और फॉरेस्ट कैनोपी परसेंटेज अभी हमने यहाँ पे फॉरेस्ट कैनोपी देखी थी विच वॉज जो सनलाइट को नीचे पहुंचने नहीं दे रहा है अब अगर हम उन डिस्ट्रिक्ट उन जिले की बात करें जो फॉरेस्ट कैनोपी जिनमें सबसे ज्यादा या सबसे कम है या फॉरेस्ट कैनोपी का परसेंटेज सबसे ज्यादा या सबसे कम कहां पर है तो देखिए ये दो अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है फॉरेस्ट कैनोपी के बारे में और परसेंटेज के बारे में तो यहां पे मैंने ये दोनों चीजें साथ में इसलिए लिखी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो ऑर्डर हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए है डिस्ट्रिक्ट का जो ऑर्डर हाइएस्ट और लोएस्ट के लिए है बोथ कैनोपी का विद uh, तो फॉरेस्ट तीन, uh, तीन -तीन नाम तीन तीन डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करने पड़ेंगे ठीक है सो फॉरेस्ट कैनोपी या परसेंटेज अगर हम देखें हाइएस्ट हाइएस्ट की अगर हम बात करें तो बालाघाट सबसे ऊपर फिर छिंदवाड़ा और बैतूल बाला बालाघाट, छिंदवाड़ा बैतूल ठीक है तो यहां पे हम देखेंगे बालाघाट, और बताइए, यहां पे क्या था बैतूल ठीक है ये हो गया आपका बैतूल ये रहा आपका छिंदवाड़ा अब सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया बालाघाट तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो सदन एरिया है ठीक है जिसकी बाउंड्री महाराष्ट्र के साथ लगती है ये वो तीन एरियाज हैं हैं ये वो तीन डिस्ट्रिक्ट्स पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है जहां पे सबसे ज्यादा आपके फॉरेस्ट हैं कैनोपी 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 और परसेंटेज में ठीक है तो तीन डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या हो गए बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल देखिए ये इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सबसे ऊपर बालाघाट उससे कम छिंदवाड़ा एंड सब उससे थर्ड नंबर पे यू हैव बैतूल ये तीन डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया हाइएस्ट केस में ठीक है ये हमने देखा हाईएस्ट के केस में अब हम बात करेंगे लोएस्ट के केस में तो लोएस्ट के केस में वी हैव उज्जैन रतलाम और शाजापुर मतलब सबसे कम परसेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में है दैट इज उज्जैन उज्जैन रतलाम और शाजापुर दो सेकेंड ठीक है एक देखिए यहां पे उज्जैन ये आपका रतलाम और ये शाजापुर तो हम देख रहे हैं कि ये तीन लगातार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनमें सबसे हाईएस्ट था ये तीन यहाँ पे हैं जिनमें सबसे कम है उज्जैन रतलाम और शाजापुर अगर उज्जैन की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उज्जैन में अप्रॉक्सिमेटली वन परसेंट है एरिया विच इज अंडर फॉरेस्ट ये मैं शायद आपको आगे एक बार और बताऊंगी एग्जैक्ट डेटा जो भी रहेगा तो हमें ध्यान रखना है ये तीन डिस्ट्रिक्ट एंड हमें ध्यान रखना है ये तीन डिस्ट्रिक्ट ठीक है ये हो गए आपके हाइएस्ट और लोएस्ट जैसा मैंने आपको बताया बोथ इन केस ऑफ फॉरेस्ट कैनपी एंड फॉरेस्ट कैनपी परसेंटेज हाइएस्ट एंड लोएस्ट हाइएस्ट का ऑर्डर क्या है याद करिए जल्दी जल्दी से जल्दी से तीन बार बोलिए आपको याद हो जाएगा जोर जोर से बोलिए बालाघाट बैतूल बालाघाट बैतूल ये हम अगर तीन बार बोल लेते हैं ये हाइएस्ट हमें याद हो जाएगा मैंने आपको बताया सदर्न एरियाज में बालाघाट छिंदवाड़ा एंड बैतूल ये तीन हो गए हाइएस्ट अब अगर हम लोएस्ट की बात करें यू हैव उज्जैन रतलाम और शाजापुर ये मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के कहा किस एरिया में है, है उज्जैन रतलाम शाहिए <coughs> we'll रिपोर्ट अभी आने वाली होगी जब भी आ जाएगी हम उसको अपडेट कर देंगे लेकिन अभी 2019 की रिपोर्ट है ठीक है 2019 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें सो so, देखिए यहां पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है ये हम बात करेंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स की जहां पे फिफ्टी परसेंट से ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है मोर देन फिफ्टी परसेंट यहाँ पे हम बात करेंगे चालीस से पचास परसेंट जिन एरिया जिन डिस्ट्रिक्ट्स का जो एरिया है दैट इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर एंड जहां पे बहुत ही कम अगर मैं बोलू बीस परसेंट से बीस परसेंट से भी कम जो एरिया है दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर ये मैं नहीं बता रही हूं आपको ये फॉरेस्ट रिपोर्ट बता रही है दो की तो मध्य प्रदेश के कौन से वो जिले हैं जहां पे पचास परसेंट से ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है जहां पे पचास परसेंट से ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है कौन से दो जिले हैं बालाघाट और श्योपुर देखिए कई बार क्या होता है कई बार आपसे एमपीपीएससी में या तो नाम पूछ लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट का या मे बी परसेंट पूछ लिया जाएगा सो टू बी ऑन द सेफर साइड हमें रिस्क नहीं लेना है कोई तो हम परसेंट भी याद कर लेते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया है अगर आप याद कर पाए तो बिल्कुल ये परसेंट भी याद करिए सो अगर मैं देखूँ तो दो ही जिले हैं पूरे मध्य मध्य प्रदेश के बावन जिलों में से जहाँ पे आपके पास 50 परसेंट से ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर है वो दो जिले कौन से हैं बालाघाट बालाघाट और शिवपुर बाला में सबसे ज्यादा 53.44 जो है दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर नाउ आई टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट जहां पे वो जिले जहां पे 40 से 50 परसेंट जो है दैट इज अंडर फॉरेस्ट वो पचालीस से पचास वाले जिले कौन से हैं ये सिर्फ चार जिले हैं हमें याद रखना है पचास से ज्यादा जहां पे है वो सिर्फ दो जिले हैं जहां पे चालीस से पचास परसेंट है वो सिर्फ चार जिले हैं ये चार जिले कौन से हैं उमरिया मंडला सीधी और डिंडोरी ठीक है उमरिया मंडला सीधी और डिंडोरी उमरिया मंडला सीधी और डिंडोरी तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा डिंडोरी ये मंडला ये उमरिया और एक मैं कोई सा नाम मिस कर रही हूं उमरिया मंडला सीधी डिंडोरी कौन सा नाम मैंने मिस किया मैंने शायद मंडला मिस किया यहाँ पे ठीक है मंडला मिस किया मैंने हाँ मैंने मंडला मिस कर दिया ठीक है सो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो एरियाज हैं ठीक है मंडला नहीं मंडला डिंडोरी उमरिया सीधी मिस किया मैंने ये रहा सीधी ठीक है सो ये जो चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं सीधी उमरिया मंडला और डिंडोरी ये जो चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो चार जिले हैं आपके यहाँ पे 40 से 50% परसेंट एज पर द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2019 ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 40 से 50% परसेंट आपका फॉरेस्ट कवर है नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हिच हैव लेस देन 20% परसेंट फॉरेस्ट एरिया अगर मैं बात करूँ बीस से कम फॉरेस्ट एरिया किन किन जिलों में है तो यहाँ पे 19 डिस्ट्रिक्ट हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे 19 डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन मैं उन सारे 19 का नाम आपको नहीं याद करने बोलूंगी यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स डाल देती हूँ जैसे भिंड रतलाम शाजापुर अगर मालवा और उज्जैन आप देखिए शाजापुर अगर मालवा वाला जो एरिया है वो ये एरिया है ठीक है शाजापुर अगर मालवा वाला एरिया इसके अलावा उज्जैन रतलाम और भिंड ये रहा उज्जैन ये रहा रतलाम और यहाँ पे अगर मैं भिंड मुरैना वाले एरिया की बात करूँ तो हम देखते हैं कि ये जो एरिया है इसके ऊपर वाला जो एरिया है दिस एरिया यूजली हैज़ अ लिटल लेस डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जिलों की बात करी जाए इवन अगर देखा जाए तो भोपाल जो कैपिटल है अगर मैं बात करूँ भोपाल की जो राजधानी है इवन इंदौर एंड उज्जैन तो मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर ही दिया है सो so ये जो बड़े बड़े शहर हैं ये जो शहर है यहाँ पे भी फॉरेस्ट की डेंसिटी काफी कम है फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पे काफी कम है तो हमने दो डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लिए सबसे जहाँ पे फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है बालाघाट और श्योपुर दो बार बोलिए याद हो जाएगा बिल्कुल बालाघाट और श्योपुर चालीस से पचास परसेंट में चार थे उमरिया मंडला सीधी और डिंडोरी देखिए मैं भी यहाँ पे साथ साथ आपके याद कर लूंगी बार बार पढ़ के मुझे भी याद हो जाएगा याद करिए आप भी आपको बिल्कुल याद होगा और हमारे पास 19 डिस्ट्रिक्ट बीस परसेंट से कम वाले जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उज्जैन शाजापुर अगरमालवा रतलाम और भिंड ठीक है एक बार और देख लीजिए इसको जितनी बार मैं आपको दिखाऊंगी उतनी बार कोशिश करिए कि तीन से चार तो आपको याद हो जाए जैसे हम ये याद कर लेते हैं अभी बैठ के मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया शिवपुरी श्योपुर ये जो है आपका ग्वालियर डिविजन जो आ जाता है ये वहां के डिस्ट्रिक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हर डिपार्टमेंट को अच्छा सबसे पहले तो एक पूरी गवर्नमेंट आती है गवर्नमेंट को हम थोड़े थोड़े मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में हम उनको काफी मिनिस्ट्रीज में डिवाइड कर देते हैं अगर हम बात करें स्टेट लेवल की तो यहां पे हम उसको राज्य राज्य लेवल की अगर हम बात करें तो हम उसको काफी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अब हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है इसलिए अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हम फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे ठीक है अब मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया है जस्ट मान लीजिए ठीक तो है तो अक्रॉस जो फॉरेस्ट एरियाज हैं इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को मध्य प्रदेश में कुछ सर्कल्स में बांटा गया है ठीक है अगर मैं मान लूं कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो कुछ-कुछ सर्कल्स -कुछ में बांटा गया है तो अगर मध्य प्रदेश के अक्रॉस मैं वनों को देखूं अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो इनको सर्कल्स में बांटा गया है और ये कुल सर्कल कितने हैं ये 16 सर्कल्स हैं ठीक है मध्य प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है दैट इज डिवाइडेड इन टू सर्कल्स एंड है सो सबसे ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया आपका जिसने पूरा फॉरेस्ट एरिया देखा उसके नीचे आपका फॉरेस्ट सर्कल आया तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं सो so उसका एक हेड होता है एंड फॉरेस्ट सर्कल की बात करूं तो उसका एक हेड होता है सो फॉरेस्ट हेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड होगा दैट इज पीसीफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल ठीक है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अब अगर मैं फॉरेस्ट सर्कल की बात करूं तो हर सर्कल को हेड करने वाला एक इंसान उसका न, उसकी उसका जो डेजिग्नेशन uh, होता है उसका उसको हम बोलते हैं सी सी एफ दैट इज चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तो हमने देखा पी सी सी एफ सबसे ऊपर और उसके नीचे वी हैव सी सी एफ ठीक है ये हो गया इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा कि हमने टोटल 16 सर्कल्स देखे टोटल 16 सर्कल्स हमने देखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर अब अगर इन फॉरेस्ट सर्कल्स की मैं बात करूं तो मैंने ये 16 सर्कल आपको बताया हेडेड बाय सीसीएफ बताया अब मैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सर्कल की अगर बात करूं कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है और सबसे छोटा सर्कल कौन सा है सो so, सबसे बड़ा सर्कल हमारे पास है खंडवा <coughs> सॉरी एंड सबसे छोटा सर्कल जो है वो है होशंगाबाद देखिए यहां पे हम देखेंगे होशंगाबाद और खंडवा दो सेकेंड ये देखिए ये रहा खंडवा और ये रहा होशंगाबाद तो जो सबसे बड़ा है दैट इज खंडवा वाला सर्कल एंड सबसे जो छोटा है दैट इज योर होशंगाबाद वाला सर्कल ठीक है तो हमने ये याद कर लिया लार्जेस्ट खंडवा खांडवा खांडवा कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा है वैसा कर लीजिए होशंगाबाद आपका सबसे स्मॉलेस्ट ठीक है किसी भी तरीके से किसी भी फनी वे में अगर आपको कोई किसी भी तरीके से याद हो जा रहा है हमारा एम है बस उसको याद करना आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद करिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडेड बाय पीसीसीएफ देन यू हैव फॉरेस्ट सर्कल्स विच आर हेडेड बाय सीसीएफ सी सर्कल है देखिए जल्दी जल्दी इसको अगर मैं बोलूंगी तो आपको रिवाइज भी होता जाएगा सोला सर्कल हो गए जो सबसे बड़ा सर्कल है दैट इज योर खंडवा सर्कल जो सबसे छोटा सर्कल है दैट इज योर होशंगाबाद सर्कल एक बार आप देख लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है <coughs> फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है हम फॉरेस्ट सर्कल के नीचे आएंगे फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्कल के हम नीचे जैसे ही आते हैं वी हैव तो हमने देखा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के नीचे हमारे पास आए सर्कल्स ठीक है एंड सर्कल्स के नीचे हमारे पास आए डिविजन अब डिविजन की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट डिविजन इज हेडेड बाय अ डीएफओ ये डीएफओ जो है इट इज द डिस्ट एम सॉरी डिस्ट इट्स डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डी एफ ओ इज योर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एंड ये जो है यहाँ पे डी एफ ओज यू हैव सिक्सटी टू डिविजन अभी हमने बात करी थी सोलर सर्कल्स की अब हम बात करेंगे सिक्सटी टू डिविजन की तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम नीचे आते आ रहे हैं कि ट्राइंगुलर शेप का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनता जा रहा है विच इज लाइक डिपार्टमेंट देन यू सर्कल्स देन यू लोअरिंग योर सर्कल्स यू हैव सिक्सटी टू डिविजन तो ये बढ़ता जा रहा है अब सिक्सटी टू डिविजन हमारे हो गए इसमें जो सबसे बड़ा डिविजन है द लार्जेस्ट डिविजन इज योर मंडला डिविजन ठीक है मंडला डिवीजन जो है ये रहा मंडला मंडला डिवीजन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैं बात कर रही हूं ये सबसे बड़ा है एंड दिस इज अंडर योर जबलपुर सर्कल ठीक है ये जबलपुर का जो सर्कल यहाँ पे होगा इसमें जो सबसे बड़ा डिवीजन है दैट इज योर मंडला डिवीजन अभी हमने जो बात करी थी होशंगाबाद और खंडवा की होशंगाबाद और खंडवा की दैट वाज रिगार्डिंग सर्कल्स यहाँ पे हम डिवीजन की बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया डिवीजन जो है वो सर्कल्स के नीचे आते हैं ठीक <coughs> है सॉरी ठीक है सो so अब हम यहां अगर बात करें एक फैक्ट की एक बिल्कुल फैक्ट जो आपको याद कर लेना है द फॉरेस्ट सर्कल देखिए सर्कल की बात हो रही है जो सोलह सर्कल है सो द फॉरेस्ट सर्कल विद मोस्ट रिजर्वड फॉरेस्ट एंड विद मोस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट जहां पर है वो है खंडवा और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पर है वो है छतरपुर ठीक है आगे हम पढ़ेंगे रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बट अभी हमें ये याद रख लेना है कि सबसे जो फॉरेस्ट सर्कल क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट सर्कल की बात की गई थी इसलिए मैंने ये यह यहाँ डाल दिया है कि ऐसा फॉरेस्ट सर्कल जहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वो खंडवा है एंड वो फॉरेस्ट सर्कल जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो छतरपुर है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है तो अगर मैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये बेसिकली यहाँ देखिए ध्यान से ये जो है ये बेसिकली ज्योग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीशीज बेस्ड और रीजनल बेस्ड ये चार उसमें चार तरीकों से डिवाइड किया गया है सो so, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो चार तरीकों से किया गया है ज्योग्राफी के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे स्पीशीज के बेसिस पे और रीजनल बेसिस पे ठीक है अब देखिए मैंने एक अगर मैं इसको एक किताब की तरह पढ़ाती आपको तो मैं लगातार ये चीजें बताती यहां पर मैंने एक टेबल बनाया गया है जिससे क्या होगा आप कंपेयर कर सकते हैं और आप याद कर सकते हैं सो so, टेबल बनाने से ये ईजी पड़ जाता है है कि आपके दिमाग में वो टेबल बैठ जाएगा और आप सारी चीजें अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में एक जगह पर याद कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं समझाती हूँ कि क्या अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी के बेसिस पे किन किन तरीकों से फॉरेस्ट्स का विभाजन किया गया है किन किन तरीकों से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो तीन है ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ये तीन हेडिंग्स हो गई आपके पास ये तीन तरीके के फॉरेस्ट आपके पास जोग्राफी के बेसिस पर है क्या क्या हो गए बोलिए एक बार मेरे साथ ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रॉपिकल सेमीडेसिडियस एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस अब अगर मैं रेनफॉल की बात करूं कितनी एवरेज रेनफॉल इन तीनों फॉरेस्ट में होती है ठीक है सो एवरेज रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होती है आपकी ट्रॉपिकल डेसिडियस के अंदर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस में एंड काफी कम होती है ड्राई डेसिडियस में देखिए इसका नाम ही ड्राई है अब ड्राई है तो रेनफॉल कम होनी तो बनती है ठीक है तो यहाँ पे काफी कम रेनफॉल मिलती है आपके ट्रॉपिकल ड्राई में, ठीक है सेमी डेसीडियस में हम देखते हैं कि 100 से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश आपको एवरेज में मिल जाती है ठीक है अब अगर हम यहाँ पर देखें कि किन किन तरीके के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं किन किन प्रकार के ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं तो अगर मैं बात करूं तो काफी गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर काफी बढ़िया क्वालिटी का टिम्बर जो है आपका मध्य प्रदेश में मिलता है स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल डेसिडस एरिया में मिलता है टिम्बर की बात के बाद अगर मैं बात करूं तो सागौन के वृक्ष टीक जिसे हम बोलते हैं शीशम नीम और पीपल ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेजर क्वालिटी ऑफ ट्रीज हैं टाइप ऑफ ट्रीज हैं जो यहाँ पर मिलते हैं ठीक है हमें दो तीन नाम याद रखने हैं शीशम नीम पीपल और क्या बताया मैंने आपको टिम्बर सबसे इम्पोर्टेंट है एंड सागौन ये पांच आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए इसको अभी ही कोशिश करिए कि मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप याद कर लें अभी हम किसकी बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात कर रहे हैं जहाँ पचास से सौ सेंटीमीटर की रेनफॉल है और पांच तरीके के मैंने प्रकार के आपको पेड़ मैंने यहाँ पे बता दिए हैं ठीक है अगर हम बात करें ट्रॉपिकल सेमी डी डेसीडियस की तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोनों मिलता है ठीक है मैं जब आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस पढ़ाऊंगी आगे में बी अगले लेक्चर में तो मैं वहां पे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोनों बताऊंगी ठीक है तो हमें यह ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस में वो दोनों मिलते हैं अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ों को अगर हम देखें तो वो है टीक साल और बैम्बू ठीक है ये यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट तरीके के हो गए इसके अलावा देखिए ये ये जो है ये आपके मेजर में आ जाते हैं अगर माइनर की बात मैं करूं तो ढोकरा टिनसा और महुआ ये जो है ये आपके माइनर में आ जाए अगर अभी आपको मेजर और माइनर नहीं समझ आ रहा है तो मत परेशान है बस कल तक को और वेट कर लीजिए मैं आपको उसे बहुत अच्छे से समझा दूंगी मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ठीक है तो ये आपके पेड़ हो गए इन दोनों एरियाज के इसके बाद अगर मैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस की बात करूं तो यहाँ पे मेनली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है हमने यहाँ पे देखा कि मेजर माइनर दोनों मिलते हैं लेकिन अगर मैं ट्रॉपिकल ड्राइड एसिडोर्स की बात करूं तो यहाँ पे मेनली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाले पेड़ मिलते हैं और टिम्बर मिलता है हमें याद रखना है कि टिम्बर तो ऑलमोस्ट हर जगह ही मिलता है क्योंकि टिम्बर का आई uh, थिंक काफी ज्यादा परसेंटेज इंडिया में ही uh, मध्य प्रदेश में ही मिलता है इसका डेटा भी मैं आपको अगले अगले वीडियो में लाकर दे दूंगी ठीक है तो अगर हम पेड़ों की बात करें तो कौन कौन से पेड़ यहाँ पर मिलते हैं बबूल पलाश और तेंदु ठीक है ये अगर हम ध्यान रखें और कुछ ऐसे पेड़ जो काफी नुकीले तरीके के पेड़ होते हैं ना वो यहाँ पर मिलते हैं ऐसा क्यों क्योंकि ये ड्राई एरियाज अब अगर हम देखते हैं तो हमारे डेजर्ट एरियाज में काफी ले नुकीले तरीके के आपको पेड़ मिलेंगे तो वैसे ही कुछ नुकीले नुकीले टाइप के जो वृक्ष हैं वो यहाँ पे मिलते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूं एरियाज की एरिया की अगर हमको ध्यान रखना है तो देखिए अभी मैंने आपको ग्वालियर डिविजन याद करवाया था ऊपर तो निवाड़ी ग्वालियर दतिया शिवपुर और शिवपुरी ये जो आपका सॉरी ये जो आपका ग्वालियर डिविजन वाला एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत ही अनुकीले प्रकार के पेड़ मिलते हैं क्योंकि ये ड्राई एरिया है यहाँ पे बारिश काफी कम होती है वेरी लेस तो ये जो एरिया है टीकमगढ़ वाला ग्वालियर डिविजन वाला यहाँ पे हमने देख लिया कि ट्रॉपिकल ड्राई डेडुअस ट्रीज मिलते हैं ठीक है अब मैं अगर बात करूं ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस की तो आप देखिए कि ये सेमी सेमीडेसिडुअस वाला एरिया जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है तो आप मुझे खुद बताइए कि मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया होगा किस तरफ के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहां पे आपको काफी ज्यादा बारिश मिलेगी ठीक है तो मुझे लगता है आप सब इतनी बेसिक जोग्राफी तो मध्य प्रदेश की जान ही गए हैं कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये वाला जो एरिया है ठीक है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ठीक है देखिए यहाँ पे मैं बताया है मंडला बालाघाट सीधी शहडोल अनूपपुर वाला मंडला बालाघाट सीधी शहडोल मंडला बालाघाट डिंडोरी अनूपपुर क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से वेस्ट बंगाल से यहाँ पे वेस्ट बंगाल बोल रही बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर आपकी जो रेनफॉल है वो यहाँ आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एरिया में बारिश काफी ज्यादा होती है तो ये वो एरियाज हैं जहां पे आपको ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे अब मैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करूंगी तो ये वो एरियाज हैं जहां पे ऑन एन एवरेज 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है अब ये कौन से एरिया है ये देखिएगा आपकी मध्य प्रदेश का मैं आपको एक बेल्ट बना के दिखाऊंगी अभी ये वहां के एरियाज हैं छतरपुर पन्ना दमो जबलपुर ठीक है छतरपुर पन्ना दमो जबलपुर छतरपुर पन्ना दमो जबलपुर तो आप देखोगे कि यहाँ पे छिंदवाड़ा बैतूल होशंगाबाद वाला भी एरिया आ जाता है तो ये जो बेल्ट रहेगा यहाँ पे इस बेल्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे हमने बात कर ली ग्वालियर डिवीजन की तो यहाँ पे हमको मिल गए ड्राई डेसिडुअस और ये जो एरिया हमने देखा जब यहां से रेनफॉल आती है तो यहाँ पे हमें मिल गए सेमी डेसिडुअस ठीक है तो हमने ये तीन एरियाज और फॉरेस्ट का डिविजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी देख लिया ठीक है ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जोग्राफी अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे या स्पीशीज बेस पे या रीजनल बेसिस पे तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की बात करूं तो देखिए मैंने अगेन आपको आपके लिए इसको एक चार्ट में बनाया हुआ है टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है दिस इज या प्रोटेक्टेड रिजर्व एंड अनकलासिफाइड इसके परसेंटेज याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपका एरिया है दैट इज विद द रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे ठीक है एंड ये मैं सिक्सटी ऑफ मध्य प्रदेश नहीं बोल रही ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि मैं 65% ऑफ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं 65.36% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर जितना है उसका 65% इज अंडर योर रिजर्वड फॉरेस्ट ठीक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आपका ऑल एप्रोक्सीमेटली 32% है एंड अनक्लासिफाइड के अंदर 2% है ठीक है 2 सेकंड या ठीक है अब अगर हम बात करें फिर से एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम हमने देखा रिजर्व के अंदर ठीक है प्रोटेक्टेड देखा हमने थर्टी टू परसेंट अनक्लासिफाइड जो है दैट इज टू परसेंट लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या है ये तो हमने परसेंट देख लिया लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या है किसको हम प्रोटेक्टेड बोलेंगे किसको हम रिजर्व बोलेंगे अब देखिए यहाँ पे आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा अगर मैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे वुड कटिंग और ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड होती है वुड कटिंग और ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड होती है लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में ये अलाउड होती है अगर आपके पास लाइसेंस है वुड कटिंग और ग्रेजिंग तब तक प्रोहिबिटेड है जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है इफ यू हैव द लाइसेंस यू आर अलाउड फॉर वुड कटिंग एंड ग्रेजिंग ठीक है सो इट इज अलाउड अंडर लाइसेंस अगर मैं रिजर्वड की बात करूं, तो रिजर्वड वो एरियाज है फॉरेस्ट के जहां पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यहाँ पे हर तरीके से वुड कटिंग ग्रेजिंग जो है दैट इज नॉट अलाउड ठीक है इवन यहाँ पे कोई लाइसेंसिस इशूज इशू नहीं किए जाते हैं एंड दिस इज स्ट्रिक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आते हैं तो अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड की तो यहाँ पे ग्रेजिंग और वुड कटिंग अलाउड है जब आपके पास लाइसेंस हो अदरवाइज ये भी अलाउड नहीं है रिजर्व में किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है क्योंकि यहां है. है? तो और रिजर्व में क्या डिफरेंस है सिर्फ दो लाइन याद रखनी है आपको अनक्लासिफाइड की अगर मैं बात करूं तो so यहाँ पे ग्रेजिंग वुड कटिंग इज अलाउड एंड दिस इज नॉट अंडर एनी ग्रुप ये ना प्रोटेक्टेड के अंदर आता है ना रिजर्व के अंदर आता है इसलिए हम इसको अनक्लासिफाइड ही क्लासीफाई ही नहीं किया गया है इसलिए हम इसको अनक्लासिफाइड बोलते हैं तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि दो परसेंट एरिया है इसका जो अनक्लासिफाइड है यहाँ पे ही हम वुड कटिंग और ग्रेजिंग कर सकते हैं ठीक है ये सिंपल सी बात हो गई और जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते ये एरिया मेरे लिए रिजर्व है मतलब ये एरिया गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता है यहाँ पे कोई ग्रेजिंग नहीं की जा सकती है वो एरिया रिजर्व है वहां नहीं जा सकते हैं खत्म बात ठीक है ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीशीज बेस्ड स्पीशीज के बेस पे किन तरीके से डिवाइड किया गया है दो चीजें याद रखनी है सागौन साल सागौन साल दो तरीके से डिवाइड किया है सागौन और साल के बेसिस पे अब हम याद करते हैं कि सागौन या टीक जिसे हम कहते हैं नाइनटीन ये शायद किसी प्रीवीएसएस के पेपर में इसका परसेंट पूछा उस मोमेंट पे जाके रिग्रेट ना करो पेपर देख के यार काश ये परसेंट याद कर लिया होता ठीक है टीक या सागौन का परसेंट एरिया जो है दैट इज नाइनटीन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट एंड साल की अगर हम बात करें तो फोर पॉइंट वन फाइव परसेंट ये दो परसेंट एरिया याद कर लो ठीक है इसके बाद ये दोनों स्पीशीज जो हैं ये दोनों पेड़ के जो प्रकार हैं ये आपको कहां मिलते हैं ट्रॉपिकल सेमी एरिया ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस का आपको मैं पीछे एरिया बता चुकी हूं कि वो कौन सा एरिया है ऊपर था आपका ड्राई डेसिडियस याद आया आपको यहां देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस मंडला बालाघाट सीधी शहडोल की अगर हम बात करें तो ये वो वाला एरिया था कहा पे ये वाला एरिया ठीक है इसकी हमने बात कर ली तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल सेमी सेमी ये साल और सागौन, दोनों जो हैं ट्रॉपिकल सेमीडेसिडुअस के अंदर आते हैं ठीक है ये एरियाज मैंने आपको बता दिए वही ईस्टर्न एरियाज जो हैं क्योंकि ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस वाला एरिया है तो ऑब्वियसली कौन से एरियाज है वो आपको पता होंगे लेकिन एक चीज बस याद रखिएगा कि अगर जब भी हम या सागौन की बात करते हैं तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करिए ठीक है दैट इज योर होशंगाबाद होशंगाबाद का नाम जरूर मेंशन करिए टीक और सागौन के केस में और टीक और सागौन आपका 19.36 पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट है इसको याद कर लीजिए ठीक है नाउ कमिंग नेक्स्ट वी हैव द रीजनल रीजनल बेसिस पे हम किन किन तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है रीजनल तरीके से अगर हमें डिवाइड करना है तो भाई मध्य प्रदेश का फिजिकल मैप देखो फिजिकल मैप में देखो कि मध्य भारत बेल्ट कौन सा है विंध्यन बेल्ट कौन सा है सतपुड़ा का बेल्ट कौन सा है अब अगर मैं आगे आपको दिखाऊं ठीक है तो ये यहाँ पे विंध्यन देखते हैं ये विंध्यन रेंज है हमारी ठीक है ये देखो ये आपका छिंद यहाँ पे छिंदवाड़ा प्लेटो है इसके अलावा यहाँ पे कैमूर हिल्स हैं ठीक है आप, आप कोशिश करो कि फिजिकल मैप में भी जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप याद कर सकते हो वो याद रखो क्योंकि जैसे ही अगर मैंने बोला सतपुड़ा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है जैसे ही मैंने आपको बोला विंध्यन रेंज तो आप यहाँ मार्क कर सकते हो ठीक है तो हम बात करेंगे कि मध्य भारत का बेल्ट रीजनल बेसिस पे अगर हम बात करें तो मध्य भारत के बेल्ट में वी हैव द एरिया ऑफ हाईलैंड ऑफ शिवपुरी बताइए शिवपुरी कहाँ है मैंने अभी आपको चार बार बता दिया है कि शिवपुरी वो ग्वालियर डिविजन में ऊपर आता है सॉरी यहाँ ये यह मैप आप कहा गया सो so, शिवपुरी सो ये हाईलैंड ऑफ शिवपुरी वाला जो एरिया है ये आपका मध्य भारत बेल्ट में आ जाएगा ठीक है ये हमने बताया कि हाईलैंड ऑफ शिवपुरी जो है ये मध्य भारत बेल्ट में आ गए इसके बाद विंध्यन बेल्ट आता है ये जो विंध्यन बेल्ट है ये कैमूर रेंज को कवर करता है अब भाई मैंने आपको बताया कि कैमूर हिल्स यहाँ पर है तो कैमूर रेंज वाला जो बेल्ट होगा वो भी यहाँ होगा तो रीजन के बेसिस पे हमने दो देखा मध्य भारत बेल्ट जो आपका शिवपुरी साइड पर है विंध्यन बेल्ट जो आपका कैमूर रेंजिस के आसपास है अब मैं बात करूं सतपुड़ा और मैकाल रेंज की तो इसके बारे में एक चीज जो हमें याद रखनी है दैट इट इज

तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें ये आपकी माइकाल रेंज है ये सतपुड़ा रेंज है ये नर्मदा आपकी बह रही है ठीक है ये कोशिश करो कि आपको समझ में आए याद रहे तो अगर मैं एक बार आपको और रिवाइज करा दूं जल्दी से आप बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं तो मैं इसको थोड़ा एक बार आपको बता दूं तो रीजनल में तीन हो गए आपके मध्य भारत बेल्ट शिवपुरी में विंध्यन बेल्ट कैमूर रेंज वाले एरिया में एंड यू हैव द सतपुड़ा माइकाल जो आपका वाइडेस्ट बेल्ट है और सदर्न साइड ऑफ नर्मदा पे है इसके बाद स्पीशीज के बेस पर मैंने आपको दो परसेंट याद करने बोले एक वो टीक सागौन वाला और एक साल का टीक सागौन में मैंने बोला एक एरिया जरूर मेंशन करिए जो होशंगाबाद वाला है ठीक है इसके पहले हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पे हमने पढ़ा प्रोटेक्टेड के बारे में रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में और अनक्लासिफाइड के बारे में रिजर्व सबसे ज्यादा है अप्रॉक्सिटली सिक्सटी फाइव परसेंट जो है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है ठीक है प्रोटेक्टेड में मैंने बताया कि ग्रेजिंग और वुड कटिंग अलाउड होती है कब कब अलाउड होती है जब आपके पास लाइसेंस है अदरवाइज रिजर्व में अलाउड नहीं होती है किसी भी तरीके से इसके पहले हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के बेसिस पे ट्रॉपिकल डेसिडियस सेमी डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट खत्म हो गया है ठीक है अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ज्यादा परेशान मत हुई जल्दी से कवर हो जाएगा ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में किन किन तरीकों से होता है सो so, यहाँ पे एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टर्म आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंट मतलब दो तीन लोगों को मिला के कर रहा है तो so, जॉइंट मतलब गवर्नमेंट भी साथ में आती है एंड लोकल्स भी साथ में आते हैं लोकल पीपल भी साथ में आते हैं तो दिस इज योर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अब अगर बात करें सो 22 अक्टूबर दो डेट याद कर लीजिए 22 अक्टूबर 2001 मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट पास ड रेजोल्यूशन एंड इस रेजोल्यूशन में इनने तीन टाइप की कमिटीज क्रिएट करी ये तीन टाइप की कमिटीज कौन सी थी ग्राम वन समिति वन सुरक्षा समिति एंड इको विकास समिति ये तीन हमें याद रखनी है 2001 में 22 अक्टूबर को बनाई गई थी एक रेजोल्यूशन से ग्राम वन समिति वन सुरक्षा समिति इको विकास समिति चार बार बोलो अपने आप याद हो जाएगा ठीक है अब ये जो इको विकास समिति है ये जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्लस वो विलेजेस जो पांच अब मान लीजिए ये एक नेशनल पार्क है ठीक है इसके आसपास पास पांच किलोमीटर की रेंज तक पांच किलोमीटर की रेंज तक जो जो विलेजेस हैं उन विलेजेस को भी इंक्लूड करता है ठीक है कौन इको विकास समिति अब हम बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टिट्यूट्स की अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्टिट्यूट्स की बात करें तो दो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म देखिए इंडियन Institute of Forest Management, ठीक है ये हो गया आपका आई आई एफ एम अब आई आई एफ एम कहाँ पे है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट है बड़ा इंस्टीट्यूट है तो इसको डाल दो अपनी राजधानी में भोपाल में डाल दो ठीक है आई आई एफ एम आपका है भोपाल में स्टैब्लिश कब हुआ 1982 में ठीक है इसको एक ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा मिला अब ये देखो ये फैक्ट्स हैं। 1982 में बना इसको याद इसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी है और ये किसके अंदर आता है अब अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इतना दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो आपकी एमओ एफ डबल सी जो है आपकी ना, सेंटर में उसके अंदर आता है तो ये हमने देखा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आता है ठीक है अब इसका काम क्या है ये आई करता क्या है ठीक है तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट तो आप देखो कि कितने भी इंस्टीट्यूट अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड होंगे या मे बी एनजीओ जितने भी होंगे उन सब का काम फॉरेस्ट के डेवलपमेंट फॉरेस्ट का वेलफेयर उसके आसपास के लोगों का वेलफेयर फॉरेस्ट की रक्षा करना और और प्लांट्स पेड़ पौधे लगाना यही चार पांच चीजें आपको मिलती हैं ठीक है तो यहां पे हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट या डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ठीक है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये ट्रेनिंग मिल रही है किन लोगों को उन लोगों को जो इन चार डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं या तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होते हैं या फॉरेस्ट रिलेटेड रिले इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं या फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होते हैं तो ये जो चार एरियाज में लोग हैं उन पर्सनल को ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है आई आई एफ एम आई आई एफ एम कहाँ पर है भोपाल में है ठीक है जस्ट अ ठीक है अब हमने बात करा स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूटाल आई आई एफ एम है भोपाल में जो लोग रहते होंगे वो तो जानते ही होंगे इसको जो बाहर के लोग हैं वो देख लीजिए इसको ये आई आई एफ एम का आपका लोगो ठीक है ये इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखिए भोपाल लिखा हुआ है अगर इस पिक्चर से याद हो जाए तो ऐसे याद रख लो ठीक है तो अब हम बात कर रहे हैं एस एफ आर आई ठीक है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन जबलपुर अब यार सब कुछ भोपाल में रख लेंगे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या जाएगा ऐसे याद कर लो जबलपुर को दे देते हैं तो हमने स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दिया जबलपुर को ठीक है जबलपुर अब हम इसकी बात करें तो सत्ताईस जून ट्वेंटी जून नाइनटीन सिक्सटी थ्री इट वो सेटअप ठीक है। अब इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहां पे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे IIFM में, ठीक है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था ये बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है आई एम सो सॉरी ठीक है लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका नाम ही है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये फॉरेस्ट रिसर्च की बात करेगा ना बेटा ठीक है ये फर्स्ट क्लास लेवल इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंडिया में फॉरेस्ट रिसर्च पे काफी ज्यादा काम करने वाला मध्य प्रदेश स्टेट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज इन जबलपुर स्टैब्लिश किया गया था ट्वेंटी सेवन जून नाइनटीन बताइए 1963 आया ठीक है यहाँ पे मैंने आपको बताया 1963 ठीक है तो ये चीज हो गई अब इसके पास भी ऑटोनॉमी है पर इसको ऑटोनॉमी कब मिली इसको ऑटोनॉमी मिली 1994 में आप देख रहे हो 1963 में स्टेब्लिश हुआ था लेकिन ऑटोनॉमी इसको जाके मिली 1994 में काफी टाइम लग गया अब हम याद करेंगे कि इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज और क्या है सो जे एम बेस्ट जे एम बेस्ट करके नाम है जे एम बेस्ट ठीक है ही फर्स्ट सिल्वी कल्चरिस्ट फर्स्ट सिल्वी कल्चरिस्ट सिल्वी कल्चरिस्ट मतलब जो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं आप ऐसे ही समझ लीजिए इजी भाषा में ठीक है ही अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सिल्वी कल्चरिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है ना मध्य प्रदेश की तो बिल्कुल पता होगा कि सेंट्रल प्रोविंस इन बिरार में यहां क्यों बोल रही हूँ ठीक है और ये ईयर देख लीजिए नाइनटीन ट्वेंटी की बात हो रही है सो जे एम बेस्ट सिल्वी कल्चरिस्ट सिल्वी कल्चरिस्ट फर्स्ट appointed of central provinces and berar in the year 1922 yaad ho ठीक है अब इसका एम क्या है अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया था कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसके दो चार ही एम होते हैं ठीक है सो इसका एम हो गया फॉरेस्ट को कंजर्व करना फॉरेस्ट रिसोर्सेस को बचाना एंड रिसर्च प्रोग्राम अब भाई रिसर्च का इंस्टीट्यूट है तो थोड़ी रिसर्च तो करने दो इसको ठीक है तो फॉरेस्ट बचा लिया फॉरेस्ट रिसोर्सेज बचा लिए और रिसर्च प्रोग्राम कर लिया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए ये दो तीन चीजें हो गई आपकी एस एफ आर आई जबलपुर ये था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट भैया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पे। थोड़ा बेटर हो जाएगा, मैं उसको भी करने की कोशिश करूंगी ठीक है तो अब आप देख लीजिए अब हम बात करेंगे हमने आई आई एफ एम पढ़ लिया कहा है भोपाल में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है जबलपुर में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था 1963 में और आपका आईआईएफएम कब स्टैब्लिश हुआ था 1982 में आपको मैंने एम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं वही दो तीन दो तीन है ध्यान रखिए ठीक है अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की ये है इसका देख लीजिए यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ठीक है वन विकास निगम वन के विकास का निगम क्या हो गया मध्य प्रदेश राज्य के वन विकास का निगम इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एन इंस्टीट्यूशन इट इज इनकॉर्पोरेटेड या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसकी मैं बात कर रही हूँ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी कंपनी की बात कर रही हूँ अब अगर ये कंपनी की तरह स्टैब्लिश किया गया था इनकॉर्पोरेट किया गया था तो ये किसी एक्ट के अंदर आया होगा और आपको पता है कि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एक्ट के अंदर आया होगा सो दिस वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट ये कंपनी एक्ट 1956 का आया था उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था क्या मध्य प्रदेश राज्य का वन विकास निगम ये आया आपका कंपनीज एक्ट के अंदर कब आया अब भैया कब आया भी याद रख लो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी और मैं नहीं चाहती एक भी डिटेल इसमें मिस हो कि बाद में हम रिग्रेट करें कि यार ये पढ़ लेना चाहिए था या ये याद कर लेना चाहिए सो ऑफ जुलाई को कंपनीज एक्ट सिक्स के अंदर वी इनकॉर्पोरेटेड मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम एज अ कंपनी याद हो गई ठीक है अब हम बात करेंगे विजन की फिर मैंने बताया कुछ भी रिलेटेड हो तो ये इनके वही दो तीन दो तीन काम है देखते हैं यहाँ पे क्या काम है तो अगर मैं विजन की बात करूँ तो इट इट एड्स ऑन टू द एफर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एनरिचिंग ट्री कवर तो ये बेसिकली आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी मदद करता है टू एनरिच टू बढ़ाओ ट्री कवर ये थोड़ा ट्री कवर बढ़ाने के लिए आपके मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करता है देखो मैंने बोला कि भाई पेड़ लगाने में मदद तो करेगा ये फॉरेस्टेशन में थोड़ा हेल्प तो करेगा कि नहीं करेगा ठीक है इसके अलावा इसका एक और विजन क्या हुआ इन इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल इन एट ज्वाइनिंग फॉरेस्ट एरिया मैंने आपको बताया कि वहां पे लोगों का वेलफेयर जो आसपास रहते हैं उनका वेलफेयर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन यही सारी चीजें होती हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना किसकी मेरी आपकी नहीं जो लोग उस फॉरेस्ट एरिया में एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना ये इसका विजन हो गया इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इनका क्या है भाई इनका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन फिर वही बात कि यार फॉरेस्ट के रिसोर्सेज uh, को बचाना उनको कंजर्व करना तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं ये फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन को बचाओ और बढ़ाओ ठीक है अब ये कैसे बढ़ाएंगे इसका भी तरीका बताया गया है भाई इनका ऑब्जेक्टिव है कि अगर ये इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे फॉरेस्ट के प्रोडक्शन को जो फॉरेस्ट से चीजें मिलती हैं उनके प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज करेंगे तो हम उनको ऐसे इंक्रीज करेंगे जब हम ऐसे स्पीशीज के पौधे लगाएंगे पेड़ लगाएंगे जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है जिनसे हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा ज्यादा है उसके अलावा ऐसे स्पीशीज जो काफ़ी तेज बढ़ते हैं तेज ग्रो करते हैं एंड ऐसे स्पीशीज जिनका एक यूज नहीं है थोड़े डाइवर्सिफाइड यूज हैं तो थोड़े डाइवर्सिफाइड यूज मतलब वो कमर्शियल यूज में भी आ सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज में भी आ सकते हैं हमारे यूज में भी आ सकते हैं तो अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा ठीक है ये हो गया आपका मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ठीक है ये कुछ चीजें हैं ये याद रख लीजिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आई आई एफ एम हो गया भोपाल में एस एफ आर आई मैंने आपको बताया ये एस एफ आर आई हो गया जबलपुर में देखो मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है कि आप इस फोटो को अगर अपने दिमाग में सुबह देख लीजिए पीडीएफ को रोज उठ के एक बार सुबह या मे बी तीन चार दिन में एक बार देख लीजिए तो आपको ये पिक्चर बैठ जाएगी दिमाग में और ये मैंने ऐसे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको याद हो जाएगा कि एस आईआईएफएम की बात हुई फिर संजीवनी इंस्टीट्यूट की बात हुई संजीवनी इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं ठीक है औषधि uh, वाले प्लांट्स जो हैं वो उनका प्लांटेशन होता है फॉरेस्ट मेडिसिन प्लांटेशन तो ये जो संजीवनी इंस्टीट्यूट है ये भी भोपाल में है ठीक है तो आई भोपाल में हो गया संजीवनी इंस्टीट्यूट भोपाल में हो गए देन यू हैव द स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन भोपाल एंड एम पी इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन भोपाल तो भैया ये चार चीजें हो गई आपकी कहाँ पे भोपाल में इसके अलावा दो चीजें हैं जो जबलपुर में है एक एस एफ आर आई आपको इतनी देर में तो याद हो ही गया होगा दूसरा स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस एफ आर आई स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टी एफ आर आई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों कहाँ हो गए आपके जबलपुर में एस एफ आर आई टी एफ आर आई स्टेट और ट्रॉपिकल दोनों कहाँ पे है जबलपुर में एंड फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज अगर आप में से कोई फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम दे रहा है तो भाई याद कर लो कि फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज कहाँ पर है आपका बालाघाट में तो ये चीजें आपको याद होंगी एक फॉरेस्ट रेंजर सबसे अलग बताया मैंने एस एफ आर आई और टी एफ आर आई बता दिया उसके अलावा ऊपर के जितने भी चार हैं इको टूरिज्म स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट संजीवनी वाला और आई आई एफ एम ये भोपाल में है इसको जल्दी से पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा ठीक है इसके अलावा आई थिंक आज के लिए ये काफी है आई विल कम विथ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मे बी वाइल्ड लाइफ वाला लेसन टूमो आई होप यू इंजॉयड इट इसको याद कर लो यार दो चार बार पढ़ लो इसको आई आई एफ एम संजीवनी इंस्टीट्यूट स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन एंड द लास्ट वन इज इको टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ठीक है देखो याद हो गया इसके अलावा एस एफ आर आई टी एफ आर आई कहाँ पर है जबलपुर में है एंड लास्ट बींग योर फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम दे रहे थे तो फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पर है आपका बालाघाट में है ठीक है बालाघाट जबलपुर और भोपाल देख लो एक बार चलो <coughs> बालाघाट बताओ कहाँ है मैं बता देती हूँ बालाघाट जबलपुर भोपाल भोपाल में मैंने आपको बता दिए चार कौन कौन से हैं आई आई एफ एम से स्टार्ट करो संजीवनी इंस्टीट्यूट पे जाओ इको टूरिज्म वाला था और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था ये चार हो गए यहाँ जबलपुर में मैंने क्या बताया एसएफआरआई टी एफ आर आई एफ एफ बनो बेटा एफ एस एफ आर आई टी एफ आर आई ठीक है ये दोनों हो गया एन बालाघाट में हमने दे दिया फॉरेस्ट रेंजर वाला कॉलेज ठीक है मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी वो पीडीएफ बहुत अच्छी होगी उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए उन पीडीएफ में साइड में स्पेस भी रहेगी अगर आपको कुछ ऐड करनी है चीज़ें वो ऐड कर लीजिए अपने नोट्स बना लीजिए इन नोट्स को बार बार रिवाइज करिए बार बार पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा एम लगाइए एग्जाम जाने के पहले कोशिश करिए कि आप जितने एम पॉसिबल हैं उतने एम लगा लें उससे कुछ नहीं होता है चीज़ें रिटेन होती जाती हैं चीज़ें याद होती जाती हैं एंड एग्जाम में आपको वो काफ़ी हेल्प करता है ठीक है सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई थिंक यू ऑल इन्जॉय इट और uh, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मैं आई ट्राई टू हेल्प एंड आई एल ट्राई टू रीच आउट टू ईच वन ऑफ यू होप यू लाइक डिट थैंक यू